जिसके सर में दर्द होता है उसको इंसान को टीवी नहीं देखना चाहिए। इसके अंदर तुम नहीं डाल देगी, बड़ी तेज आवाज लड़की। इसको देखो क्या हुआ? आप तो खोल। हाँ जी, पता नहीं अभी अभी क्या हो गया, पूरा कान से खून का भरा हुआ है। मेहंदी छोरा एंडी एंडी काम करूंगा, बाबू का नाम करूंगा। गुड मॉर्निंग एवरीवन, कैसे हैं आप सब? होप करती हूं आप सभी अपने घर में बहुत ही अच्छे होंगे। वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। तो गाइस सब बच गए हैं सुबह के 7 और चीकू का है आज पहला दिन स्कूल का। तो चीकू बहुत ज्यादा एक्साइटेड था, बहुत ही ज्यादा बोल रहा था मम्मी रात को बिल्कुल नींद नहीं आ रही है, क्योंकि देखो जब बच्चों का पहला दिन होता है ना बहुत ज्यादा एक्साइटमेंट होती है। तो गाइज अभी भी हमारे घर से कॉकरोच निकल रहे हैं, इतना सारी सफाई के बाद पूरी किचन साफ कर दी, सब जगह पेस्टिसाइड कर दिया, तब भी कॉकरोच निकल रहे हैं। तो कल से ना और जल्दी निकलना पड़ेगा, क्योंकि ना क्या है कि ना 7 बजे का टाइम चीकू का जो है ना वो है कि 7:45 चीकू को स्कूल यहाँ से निकलना है, 8:10 का स्कूल है। तो आज मैं 7 बजे उठी हूँ, कल से मुझे थोड़ा और जल्दी उठना पड़ेगा। तो यहाँ पर ना चीकू का मैंने नया वाला जो बैग है वो पहले से सेट कर दिया था, चीकू का बैग निकाल दिया, साथ ही साथ चीकू की यूनिफॉर्म भी निकाल दी है। तो वही चीकू को उठाना बड़ा मुश्किल काम हो जाएगा, क्योंकि वो रात को मैं उसको बोलती रहेगी बेटा सो जा, तो मुझसे नहीं उठा गया, मेरे को नींद पूरी नहीं हुई। मैं ना सोते सोते ना रात के 3 बज गए थे और चीकू सो गया था 12 बजे। वैसे तो सो गया था, जल्दी सो गया था 10 बजे, पर मैं फिर उठ गया। तो अभी चीकू को उठाती हूँ। तो यहाँ पे चीकू के नए वाले जूते भी निकाल दिए हैं और साथ ही साथ चीकू की सॉक बेल्ट। कल मुझे कह रहा मम्मी ये मेरी जो स्कूल की यूनिफॉर्म है वो आधी वाली है ना, मैंने कहा हाँ चीकू आधी वाली है, तो बहुत खुश हुआ। तो चीकू का पानी भी भर चुका है, चीकू के टावल निकाल दिया, बस चीकू को उठा देती हूँ। चीकू उठो बेटी, स्कूल का पहला दिन है, जाना है स्कूल आज? हाँ जी, क्यों नहीं जाना? क्यों नहीं जाना? मुझे लगा छुट्टी करोगे, मैं तो मजाक कर रही थी। इस साल कोई छुट्टी नहीं करेंगे, ठीक है? सारे दिन हर दिन स्कूल जाएंगे। आज आपको न्यू फ्रेंड्स मिलेंगे, न्यू क्लास होगी। क्यों? न्यू क्लास होगी। हाँ जी, फ्रेंड्स नए मिलेंगे। कोई भी बच्चा नया एडमिशन नहीं होगा स्कूल का, तो न्यू क्लास टीचर तो मिलेगी। चलो उठ जाओ। तो वेलकम बैक चैनल में, आज कल बच्चे मजेदार होने वाले थे, आज मैं जाने वाला हूँ नई क्लास में। चलो बेटी खड़े हो जाओ। सब कुछ तो नहीं, मेरे बनियान भी नहीं ले आते। अच्छा बनियान? हाँ इसकी बनियान पुरानी है, कोई बात नहीं, काम करूंगी, आज नई बनियान भी ले आऊंगी, ठीक है? चलो, आप तो नहीं हो ना? बस यहाँ पे ना चीकू के छोले का जो मसाला है वो भी रेडी हो चुका है। कल कल चीकू से पूछा था क्या लेके जाएगा, तो उसने बोला था मम्मा व्हाइट छोले। और आज पता नहीं क्या हो रहा है, हमारा जो राइस कुकर है ना सही से चल नहीं रहा, तो चीकू की जो चावल है ना यहाँ पे पतीले में चढ़ाए हैं। मम्मा ठंड लग रही है। ओफो, पंखा चला दूं? ठंड होता क्यों लग रही है बेटा, सुबह सुबह नहाए हो ना, चाहे गर्मी हो चाहे सर्दी हो, जब हम उठते हैं ना सोकर तो हमारा जो शरीर होता है ना वो थोड़ा वैसा हो जाता है कि हमें ठंड लगती है। चीकू भाई प्लीज बाबू कपड़े गंदे मत करियो, ठीक है? आज पहला दिन है, कपड़े गंदे कर लियो, दाग वाग मत लगाए बेटा, गुड बॉय बन जाइयो, अच्छे से खाना खाइयो, छोले चावल बने हैं सारा कंप्लीट। और मेरे को छोले चावल से याद आया, तेरा वो भी निकालना बेटा, टिफिन वाला डब्बा नहीं होता बॉक्स। चलो ये सही है चीकू, गर्मी की ड्रेस बढ़िया लगती है मेरे को, आराम से जल्दी बंद हो जाती है, सर्दी में ये पहनो वो पहनो बहुत लेट होता है, गर्मी में एकदम रेडी। पता बेल्ट कभी ऐसे नहीं पहनते, बेल्ट कैसे पहनते हैं जैसे हमें ऐसे पहनना है। तो पहले हम चेक करेंगे, तो ये चीज आगे होनी चाहिए ना गुरुकुल वाला, इसको हम यहाँ से ऐसे डालेंगे बेटा। क्या फ्रूट लेके जाओगे चीकू? केला। ठीक है, नई बेल्ट है ना चीकू, थोड़ा सेटिंग होने में टाइम लगता है। चीकू कितनी कम्फर्टेबल सॉक्स है ना, सॉक्स इतनी बड़ी क्यों है? स्कूल की यूनिफॉर्म ना गर्ल्स बॉयज की सेम ही होती है, बस गर्ल्स की स्कर्ट होती है, जो पैर दो बॉयज की निक्कर होती है। अभी कुछ टाइम तक तो आप निक्कर पहनोगे, फिर जब आप थोड़े बड़े हो जाओगे ना बड़ी क्लास में फिर निक्कर नहीं होगी। यार ड्रायर तो मुझे दिखा ही नहीं, तो मैं काम करती हूँ उसके बाद ऐसे ही ट्रैवल ड्राई करती थी। चुकू टाइम हो गया स्कूल का, चलो फटाफट, सूरज आ चुका है बाहर, बस बस टाइम हो गया, आज हम थोड़े लेट हो गए, 8:10 का स्कूल है, चलो फटाफट कंगी तो करो। स्कूल का टाइम हो गया बेटा, क्योंकि आज मुझे टाइम का पता नहीं था ना, तो कल से क्या होगा, कल से थोड़ा सा जल्दी उठ जाऊंगी और आपको भी थोड़ा जल्दी उठाऊंगी, ठीक है? अरे मम्मा फर्स्ट क्लास में हो गया हूँ क्या? ऐसे जाते बच्चे स्कूल? अरे मम्मा फर्स्ट क्लास में थोड़ी हुआ हूँ। नानी ने जो रबर दी थी ना चीकू वो टूट गई, तो एक काम करूंगी चीकू, नानी आ रही है ठीक है भाई के बर्थडे पे, तो नानी को बोलूंगी आपके लिए ना बहुत सारी प्यारी प्यारी रबर लेके आएगी, ठीक है? पेन क्यों लेके जा रही हो? पेन की जरूरत नहीं है, पेन 5th क्लास में लगता है बेटा। अरे कोई बात नहीं, पेन वापस ले आना। और सुनो बैग को भाई गंदा मत करना, जैसे पहले दिन बैग होता है सुंदर सुंदर वैसे ही रखना, कोई भी कचरा हो कुछ भी हो ना वो अलग जगह पे रख देना, पर बैग गंदा मत करना, ओके? Bye. Love you. Bye. आज अच्छा दिन जाएगा मेरे शायद से। मेरे बुद्धों सारे। बस अभी मेरे स्कूल का टाइमिंग हो गई है आगे 7:30, तो आज थोड़े लेट हो गया था मैं, तो कल जाऊंगा वो भी
टाइम आधे बच्चे आगे होंगे। तो गाइस मेरा चैनल को लाइक करा करो, शेयर करा करो, सब्सक्राइब भी करा करो, क्योंकि मेरे चैनल पे बहुत अच्छी अच्छी वीडियोस आती है। तो व्हाइट होगी स्क्रीन, इसलिए मैं पीछे देख दे रहा हूँ। चीकू भाई, हाँ जी, सेकंड क्लास का फर्स्ट डे कैसा रहा? बहुत ही अच्छा। अच्छा, सारे फ्रेंड्स से मिल के लिया फिर तूने? हाँ यार, थोड़े थोड़े फ्रेंड्स अलग अलग उसमें हो गए। तो कैसा लगा तेरे? वाह वाह वाह, बहुत गंदा लगा। दोस्तों से मिलके गंदा लगा ना? हाँ। जो और दोस्त थे वो चले गए ना स्कूल। अच्छा, कोई नहीं, वो भी मिल जाएंगे, आ जाएंगे ना थोड़े दिन में। कैसे? तो रिसेस के टाइम नहीं मिलते वो? रिसेस के टाइम नहीं मिलते हमको। चलो फिर आप चलते हैं घर। कोई नहीं, खुशी में नए दोस्त भी मिलेंगे। 5 रुपए वाला वो लूंगा मैं। क्या लेगा? उड़न कटोला। तो गाइस मैं अभी आ चुका हूँ घर से। तो घर से स्कूल से आ चुका हूँ, तो अभी मैं जा रहा हूँ कहीं कुछ करने। जैदू, क्या कर रहे हो भाई जाके? जैदू क्या दू, ये क्या कर रहे हो? इन्हू देखो, अयान क्या कर रहे हो भाई? ये अपनी मस्त हो रहा है। ये बस भाई के पीछे भैया 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 दादा दादा लगा रहता है 24 घंटे, है ना दादा? तो तूबा रानी भी यहाँ पे आ चुकी है। उठ के बैठू? कब उठे? क्या चाहिए आपको बताओ तो सी। ये देखो तूबा को ये चाहिए था खाने के लिए, तूबा ने ले लिया। आंटी आपको भी चाहिए बेटू? हेलो हेलो अयानू, हेलो लक्ष्य मटरा पीछे लड़ रहे थे भाई। यहाँ पे आयान तूबा जैद को खिलाने के लिए निक्की भी आ चुकी है। मेरे पास ये तो आते निक्की बहन के पास गया। कदो जू जू आप भी करके दिखा दो। तो जैद पूरा शोर करने लग गया है, पूरी रीस करता अब जैद, पूरा शोर शराबा पूरा हल्ला करता है, पूरे घर में रौनक लाग रखता है। ये देखो, ये लड़की को दिया तब खाने की थी मटर, अब ये नीचे से उठा उठा के खा रही है। है तू भू बेटा, ऐसे क्यों करते हो अयानू? तो ये लड़का सबकी बातें सुनता है और पूरा हल्ला शेर करता है, पूरा शोर शराबा, है ना जैद? आप पूरा शोर शराबा करते हो ना, पूरी घर में रौनक लाग रखता है। इस लड़के को देख लो, वहां से चल के यहाँ आया, तू वह कहाँ बैठी है, ये कहाँ जा रहा है, ये गेंद उठाने का है। भाई भाई आपको कहाँ चाहिए मेरे को बता देते, मैं लेके आ जाता आपके लिए। आ जाओ अयानू, आ जाओ आ जाओ आ जाओ, चलो चलो चलो, मैं आपको देख रहा हूँ भाई, चलो। तो गाइस मैं अभी जा रहा हूँ साथ ही साथ ट्यूशन, क्योंकि आज मेरा स्कूल हो गया था थोड़ा लेट, क्योंकि मैं हो गया सेकंड क्लास में। तो गाइस मैं अभी आ चुका हूँ ट्यूशन से, क्योंकि मेरा हो गया सिर दर्द, तो अभी मैं दवाई ले लेता हूँ, उसके बाद जाऊंगा मैं। हॉपअप देखो भाई क्या हुआ, कुछ भी मिर्च खाने का मन कर रहा है भाई, लिफ्ट में बैठा क्यों है नीचे? अरे यार कमर दर्द हो रही है, सिर दर्द हो रहा है, सब दर्द हो रहा है, चप्पल भी दर्द हो रही है मेरी। रेस्ट कर लिया ना आराम से? रेस्ट कुछ नहीं, दर्द हो रहा है मेरे को, बस मेरा सिर दर्द हो रहा है। तो फिर जाके थोड़ा टाइम लेट जाइयो, कुछ टीवी देख लूंगा। टीवी देखने से सर दर्द कैसे सही होगा भाई? टीवी देख लूंगा लेटे लेटे भाई, टीवी देखने से सर दर्द ठीक हो जाएगा? हाँ, हो जाएगा। तो इसका सर में दर्द हो रहा है बहुत तेज का, बाबू पानी दे। और अब तो एक बात बोलूं, जिसके सर में दर्द होता है उसको इंसान को टीवी नहीं देखना चाहिए, आंखों से दर्द होता है, टीवी मत देख। तो गाइस सच में इतना प्यारा रूम लग रहा है, इतना प्यारा रूम लग रहा है, मैं सोच रही हूँ लोअर बेड नहीं होता ऐसे फिक्स वाला, बच्चों की जगह बेड बना के यही सबका कर देते, ठीक है? काम करते बेड बनवा लेते हैं बड़ा सा। अब ये काम करो, अब मारो ज्यादा यार, तू बस मम्मी सर मारो, अब खरोचना है, ऐसे करके बड़ी तुमने फॉर्म क्या करती थी, ऐसे करके भैया इसके अंदर तुम उंगली डाल देगी? नहीं बड़ी तेज आवाज लड़की, भैया आपको नहीं पता मेरे बच्चे ऐसे ऐसे उंगली करते हैं, उनकी उंगली जो है ना अयान जैद आजकल तो एक जैद पे ऐसे करते हैं, जिसको बात करते हैं, और अयान और जैद की तो उंगली ऐसी रहती है, और जो हमारा अयान है उसकी तो मुंह में रहती है। और उंगली के आज उसने इतना बुरा हाल किया ना, सच में बड़ा खरोचन है ना, अगर मैं इसको छीलूंगी वो हो जाएगा, इसको तो पता नहीं, इसने पूरा आंटी कहते दूध पीते पीते ऐसे कर रहा था, आंटी देख नहीं सकती थी क्या कर रहा था। तो भाई अब जब सब जगह तो ये फॉर्म वाला लग गया, हम कह रहे दरवाजे में सर ना मारे, क्योंकि भाई बच्चे भैया के हाथ में इतनी सफाई है, सच में बहुत ज्यादा सफाई, मतलब हमें बोलना ही पड़ा, इतना साफ काम किया है ना, बहुत अच्छा, और कलर भी बहुत अच्छा लग रहा है।
हमारे पास यहाँ पे वॉलपेपर आएंगे वॉलपेपर सारे कलर के ना मल्टी कलर इस दीवार पे अलग इस दीवार और मैं सोच रही हूँ कि थोड़ा टाइम मेरा पंखा भी चेंज कर देंगे कार्टून वाला पंखा मैं सोच रही हूँ वो स्टार्स नहीं लगते ब्लिंक वाले वो चमका वो आज हम जान नहीं दुकान में बैलून वाली उसे मिल जाएंगे स्टार्स या तो कहीं से मैं अलमारी पे भी वॉलपेपर बना देंगे आप तो खोल क्या हुआ आप तो खोल आप खोल बेटे मम्मी है आप खोल अनु आप खोल मम्मी मम्मी डर गया ये डर गया डर गया डर गया आप खोल हाँ देख मम्मी 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 है सोएगा भाभी ये भी उठ गया हाँ भाई ये भी उठ गया इसको दवाई दूंगी ना ये सुबह से इसको आराम नहीं है पाए आंटी के लिए बर्थडे थोड़ी खराब करनी है शेयर करने अपने आपको ताकि बर्थडे सेलिब्रेट कर सको आप अच्छे से अपना बर्थडे बना सको है ना ओए जी 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 ये तो है तू छोड़ दे दवाई पिलाना भाई पिएंगे हम तो जी पी हम तो चले करेंगे हम तो खेले करेंगे इसको पी के देखो बहुत मीठी है मीठा चलो आओ कैसी लगी दवाई कैसी लगी बताना नहीं है मम्मा को दवाई पी के कैसे लगा बिल्कुल नखरा नहीं गया लगता नहीं थोड़ा सा नखरा किया पर मैंने पिला दी दवाई तो यहाँ पर मैं ना तुबक की चवन्नी पिला रही क्योंकि देखो हमारे यहाँ पे चवन्नी बहुत जरूरी है मेरे को ना सपना दीदी ने कहा था एक बार की ना सपना दीदी ने तन्नू की ना एक बार चवन्नी निकाली तो उसकी एलर्जी हो गई थी पाए है तो जैसे चवन्नी निकाली ना और उसके अगले दिन ही ना तन्नू इतने डंडे लग गए तो दीदी ने चवन्नी पिला दी तो भाई जिस चीज की मान्यता है ना तो वो हर एक चीज ना अभी ने दी थी जैद के लिए याद है और वो हमने निकाल दी थी जैद कितना बीमार हो गया जैद को ऑपरेशन हो गया था ऑपरेशन हो गया था तो भाभी ने हमने पता क्यों निकाली थी जैद को एलर्जी हो गई थी हमने निकाल दी थी चीकू के टाइम पे भी भाभी ने चवन्नी दे रखी थी और चीकू टच वुड के चीकू ना कभी बीमार नहीं पड़ा तो अभी जैसे डर के उठा ना एकदम तो मुझे ध्यान आया यार कल इनकी ना मैंने चवन्नी वगैरह खोल दी थी तो ना एलर्जी बहुत ज्यादा हो रही इसको उसको तो मैंने वो चवन्नी खोल दी थी फिर मैं समझ गई कि वो चवन्नी निकली इसने बच्चा डर मेरी पास सुन देख अभी इसने चवन्नी तो पहन ली है ठीक है इसकी चवन्नी तिलस्मी मोती है इसकी चवन्नी में तिलस्मी मोती डाल रही हूँ और तुबा वाला तिलस्मी मोती का है फिर ये क्या खा रही है ये टॉय खा रही है क्यों खा रही है बेटा भूख रोटी नहीं मिलती अयान को देना यहाँ पर ना मैंने अयान का जो धागा है ना वो बना दिया है इसमें मैंने हमारी माता रानी की चवन्नी डाल दी है और बच्चों के दांत आ रहे हैं ना तिलस्मी मोती है वो भी डाल दिए दोनों चीजें बहुत जरूरी है तो ये डाल दिए आधे बेटा अयान जॉनी जॉनी अनु ने बोला पापा जॉनी जॉनी यश पापा जॉनी जॉनी हाँ जी बेटा जॉनी जॉनी तू जॉनी जॉनी यश मम्मा जॉनी जॉनू जय तू जॉनी जॉनी यश मम्मा तेरे पापा होता है ठीक है ठीक है पापा होते हैं अच्छा लग रहा है बच्चों को बाहर बैठ के बेटा थोड़ा टिक के बैठ जा टिक्के बैठ जा थोड़ी देर बहुत गुस्सा करता है मेरे पे बहुत ज्यादा नहीं बेटा जरूरी चवन्नी पहनना हाँ जी मारूंगी देखो ये ले हप 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 पता नहीं अभी क्या हो गया कान से खून का भरा हुआ चल साफ करो ले चल अंदर डिटोल से साफ करो डिटोल से जलन होगी खाके भी लाई थी मैंने डॉक्टर को बोला मैंने कहा डॉक्टर ये ना पूरा टाइम खारिश करता रहता तो डॉक्टर ने बोला ऐसे भैया रुक जाओ भैया आराम से करवा रहे मैंने डिटोल नहीं लगवाई पहले डिटोल से दर्द होगा मैंने कल देखा था इसके कान में मोटे मोटे जख्म थे बहुत ब्लड है इस लड़के को इतनी लगती है ना मैं क्या बताऊं बस देखो टी शर्ट पे भी ब्लड है हाँ हाँ ये देख फिंगर पे भी है मैंने कल देखा था जैसे हमारी चोट सूख जाती है जख्म नहीं बन जाता तो ऐसे ऐसे देखो ये नहीं नहीं बेटा नहीं नहीं ऐसे जख्म इसके कान में दो पहले तेरे को हाथ लगाने देता तू कर लेना हाथ नहीं लगाने देता किसी को तो खोलो ये नहीं करता ऐसे ये करती है ऐसे ये तो सबको हाथ लगवा देता है ये हैंड भी क्लीन कर इसका हैंड भी क्लीन करियो वाइप से साफ करो जब ये छोटे थे ना तो ऐसा लगता था कि सोते रहते संभालना मुश्किल था और अब ज्यादा मुश्किल हो गया इनको संभालना नहीं दो साल तक देखना बोला था सब दो से तीन साल तक दो साल तक अभी तो तुम्हें पता नहीं लग रहा बच्चे कैसे बढ़ जब बच्चे चलने लग जाएंगे क्रोल होने लग जाएंगे तो हमें हर एक चीज की टेंशन लगी कभी कभी लग ना जाए कोई बात नहीं गाइस हमने क्या किया ना जो रूम बनवाया ना मैंने पिंजरा बनवा दिया वहाँ तो शाम तक शायद हमने उसमें शिफ्ट भी कर देंगे थोड़ा सा दिखा भी दूंगा आपको कैसा रूम तैयार हुआ इनका अब तेरा पेन कैसे है चल रहा है थोड़ा थोड़ा लेकिन आ जा रहा है अच्छा तो अब कहाँ गया था अभी टीचर खेलने गया था अच्छा कैसा रहा खेलना बहुत अच्छा सुबह फिर स्कूल जाना आज टाइम से सो जाइयो ठीक है ओके।
सुबह टाइम से निकलना पड़ेगा क्योंकि भाई भाई चीकू गया सोने क्योंकि उसके ना थोड़ी तबीयत से मुझे खराब सी लगी थी, तो उसके पापा लेके गए उसे सुलाने के लिए, क्योंकि वो लड़का है ना सोता नहीं, अगर कोई साथ ना सोए तो, इसलिए इसके पापा साथ सो रहे हैं। तो चीकू के ब्लॉग का एंड आज मैं कर देती हूँ, तो इस ब्लॉग को यही एंड करते, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग पे। तब तक जिसने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया जल्दी जाके सब्सक्राइब करो, लाइक करो, कमेंट करो, शेयर करना बिल्कुल भूलना। जाते जाते एक बार फिर बता देती हूँ, गाना आ चुका है हमारा नागनी फड़ी गई, जिसने गाना नहीं देखा है जल्दी जाके गाना भी देख लेना। और चीकू इतनी मेहनत कर रहा है अपने ब्लॉग्स के लिए, देखो स्कूल भी जा रहा है, ट्यूशन भी जा रहा है, पढ़ाई भी कर रहा है, सब कुछ कर रहा है। तो प्लीज जिन लोगों ने भी सब्सक्राइब नहीं करा है जल्दी जाके उसे सब्सक्राइब कर लो और ब्लॉग एंड तक देखा करो, बीच में छोड़ के आप चले जाते हो। इतना लंबा ब्लॉग वो बनाता है, इसलिए बनाता है कि आप पूरा देखो, पूरे दिन की एक्टिविटी क्या होती है, बीच में बच्चे भी होते हैं, हम भी होते हैं, तो पूरा देखिए करे। और बस बाय बाय, गुड नाइट, टेक केयर, अल्लाह।